इस वीडियो में इस बुक की हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाती है, इंडियन हिस्ट्री की बुक, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट बुक है, अंदर में कैसा कंटेंट है, क्या आपको लेना सही रहेगा नहीं रहेगा उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ आपको इंडियन हिस्ट्री की यदि पढ़ाई करनी है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे हम बात करें स्टेट पीसीएस की, जैसे बीपीएससी है, जेपीएससी है, यूपी पीसीएस है, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम जैसे एसएससी, झारखंड एसएससी है, या कोई बिहार एसएससी है, या हम लोग बात करें एसएससी है, तो उसमें यदि इंडियन हिस्ट्री आता है आपका, तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए पूरी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इंडियन हिस्ट्री यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी, ठीक है। क्लास 6 से लेकर 8 तक जरूर पढ़ें, उसके बाद 11 12 भी आप पढ़ सकते हैं, मगर क्लास 6 से लेकर 8 तक जरूर पढ़ें, ठीक है। यदि 11 12 वगैरह नहीं पढ़ सकते तो कम से कम क्लास 6 से लेकर 8 तक पढ़िए इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। उसमें क्लास 6 में आपका एंशिएंट है, आपको पता है, क्लास 7 में मेडाइवल मिलेगा और क्लास 8 में आपको मॉडर्न मिलेगी, ठीक है। आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप ल्यूसेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, ल्यूसेंट की थ्योरी वाली बुक और एमसीक्यू वाली बुक, ठीक है। अब ये बुक बेहतरीन बुक है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की ये बुक भी बहुत अच्छी आती है, आपको पता होगा, ठीक है, मगर इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं, ठीक है। ये बुक आप यदि पढ़ लेंगे तो बाकी आपको किसी बुक की पढ़ने की हालांकि जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एनसीईआरटी यदि पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कंटेंट है, यहाँ पर देखिए आपको थ्योरी भी मिलेगी, कैसे मिलेगा मैं आपको चलिए दिखाता हूँ पेज खोल के। देखिए पहले इसका कंटेंट देख लीजिए, कंटेंट यहाँ पर देखिए इंडेक्स है, ठीक है, और यहाँ पे आप एंशियंट हिस्ट्री देख पा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री जिसे हिंदी में कहते हैं प्राचीन भारत, और उसके बाद मिडाइवल आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं मध्यकालीन भारत, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उसके बाद मैं दिखा दूँ मॉडर्न हिस्ट्री, इस तरह से आपको पूरी ही यहाँ पे हिस्ट्री आपको मिल जाने वाली, ठीक है। उसके बाद आगे यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी मिलते हैं, मैं दिखा दूँ, देखिए जैसे यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट हुआ, ठीक है, और चैप्टर जैसे स्टोन एज से ये स्टार्ट किया है एंशियंट हिस्ट्री में, और यहाँ पे इसकी थ्योरी दी गई है, ठीक है। आप यहाँ पे थ्योरी देख पा रहे हैं, ये पूरा एक्सप्लेन किया इसने कि थ्योरी पूरी इसकी बताई गई है, ठीक है। अब थ्योरी आप देख पा रहे हैं, हिंदी मीडियम में भी ऐसा ही रहेगा। अब यहाँ पे जैसे प्रश्न ले लिया, थ्योरी खत्म कर दिया दो पेज में, उसके बाद यहाँ पे इसका प्रश्न ले लिया, ठीक है, और प्रश्न का आंसर दे दिया, ये यूपी लोअर जो है में पूछा गया था, और प्रश्न का आंसर देने के बाद इसने एक्सप्लेनेशन भी नीचे कर दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे प्रश्न दिया, ये यूपी पीसीएस से पूछा गया था, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर के प्रश्न पूरे आपको देखने को मिलेंगे, चाहे यूपी पीसीएस की बात हो, सबसे ज़्यादा यूपी पीसीएस का, हालांकि उसके बाद हम बात करें यूपीएससी की, बीपीएससी की, उसके बाद जो है आपको जेपीएससी वगैरह की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ एमपीएससी है, ये सारा आपको मिल जाता है, ज़्यादातर आपको यूपी पीसीएस का यहाँ पे सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो सवाल है, उसके बाद आंसर है, तो प्रत्येक चैप्टर में आपको ये देखने को मिलेगा, तो बेहतरीन बुक है, आँख बंद करके आप इसको ले सकते हैं।